कपड़ा बुनने वाला तेलुगुलो साले वाड़ो अंग्रेजी में वीवर वीवर कपड़ा मशीन और हाथों से बनते हैं वस्त्रों यंत्रों पर ना मरियो छेदित होकर ना तैयार होकर ना ये देखते जे दुलाहा दुलाहा का अर्थ होता है कि कपड़ा बुनने वाला वस्त्रों में से वाले दुलाहा अंदर ये जो है मगम छेदित होकर ना ना पड़े मगम ये जो है पावर लूम और हैंड लूम यहाँ पर वस्त्र या कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं मन धरिते पड़ी दुस्तुलि चेतों मरियो यंत्र पैरोना तैयार के जरो हाथ से बनाने वाला भाग करते कहते चेतो जैसे तभी मगमंद्रो चेत मगमो ये देख लेते यहाँ पर हाथ पर बनाए जाते हैं खेती पर के बटों दे चंद्रया चाचा के घर के पास ही बाबा या का घर के हैं चंद्रया के समय उन्होंने बाबा या के लोग ही वे बड़ई का काम करते हैं वह बड़ई बड़ी तातों के लिए लकड़ी से तरह-तरह के सामान बनाने वाला के कार पेंटर वटरंगी देखो मैं वटरंगी कहते देख लीजिए क्या दिया गया पुस्तक में चंद्रया के घर के समीप भी चंद्रया के सदस्यों ने बाबया का घर भी है बाबया का रिलू दी बाबया बड़े का काम करता है वटरंगी में जैसे ये देख लीजिए बड़े का काम बड़े तरह तरह के काम किससे लकड़ी से चक्का तो लकड़ी में सुबुद चक्का तो रकल रकल ट्वेंटी वस्तु में तैयार के वाले मंदिर के कारपेंटर वटरंगी ये देख लीजिए बड़े का काम बड़े तरह तरह के सामान ये सब हम उपयोग करते हैं दादा तब रमेश पूछता रमेश पूछता दादा जी बड़े ही और क्या काम करते हैं वटरंगी इनके मन के स्तर दादा जी सोचना डो बड़े लकड़ी से हल किड़की दरवाजे बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं ये देखते जाओ एक बार कपड़ा साथ में नहीं बड़े ही लकड़ी से हल नागली खिड़की खिड़की लो द्वार द्वारा लो और तरह तरह के सामान और बैलगाड़ी ये सभी वुड से चक्का तो वस्तुओं तैयार किए वाले वटरंग अंदर इंग्लिश लो कारपेंटर ये सब वुड से लकड़ी से बनाए जाते हैं तो चक्का तो टेबल को दी आप बात देखो रानी खुशी दादाजी वहां देखे तातगारो अटू चूडंडी वे कौन है वारेवरो वे क्या कर रहे हैं और ये भी सुना लो इस प्रश्न का उत्तर दादाजी ने ऐसा कहा कि रानी ने उन प्रश्न के तातगार इलाना हाँ बेटा वे सोने चांदी का काम करते हैं और बंगार को वेंडी को वस्तु तैयार करते हैं वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठी हार चूड़ी आदि बनाते हैं वह बंगार वेंडी को आभरण तैयार किसी को वारने सुनार करते हैं
दादाजी उधर देखिए दादागारु अट्टुंडी वे कौन है वारेवरु वे क्या कर रहे हैं और ఏం చేస్తున్నారు అని రాణి ప్రశ్నించగా తాతగారు సమాధానం ఇస్తున్నారు हां बेटा वे सोने चांदी का काम करते हैं बंगारों को वेड़ी तो सोना बंगारों चांदी वेड़ी गोल्ड एंड सिल्वर बंगारों वेड़ी वे सोने चांदी से तलवार का काम करते से अंगूठी हार चूड़ी आदि बनाता इनको कहा जाता है सुनार सोने चांदी से तरह के आभूषण बनाने वाला सुनार सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण बनाने वाला सुनार बंगारों को मेटलों को रकरका बोले नवंती वो आभरण तैयार करने वाले सुनार बोलो ये गोल्ड स्मिथ मीनिंग क्या मतलब है गोल्ड स्मिथ लोहा वाला ब्लैक स्मिथ है सुनार वाला गोल्ड स्मिथ सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण बनाते हैं बंगार को बेटी को गट गट आभरण जैसे अंगूठी उंगरम ये सुना वाला का चित्र पर सुना अंगूठी उंगरम हार नेकलेस मेडल वैसे आभरण चूड़िया गाजु जैसे तरह तरह के सामान बनाता है सोने चांदी से तरह तरह के सामान बनाने वाले को सुनार कहा जाता है बंगारों को वेड़ी बंगार वेड़ी तो रकरकाल का आभरण तैयार करने वाली सुनार तेलुगु में कंसाली तब रमेश पूछा रमेश पटेल दादाजी उस गली में देखिए आते हैं आ वीडियो लंबे लंबे बांस सुनाए पड़वाट पड़वाट अटंती बैंबू सुनाए बांस से क्या क्या बनाते हैं बैंबू तो वेदर कड़ तो ये भी तैयार करते हो अनि प्रश्न तो यार ये जीते जीते ये जीते बैंबू बांस बांस से तरह तरह के सामान बनाने में वो बांसों का हर వెదురు తో రకరకాల వస్తువులు తయారు చేసే వారిని మేదర వాళ్ళు బాస్కెట్ మేకర్ దాదాజీ ఉస్ గలీ మే దేఖే తాతగారు ఆ వీధిలో చూడండి లంబే లంబే బాల్సాయి పడవాటి పడవాటి వెదురు వాళ్ళు ఉన్నాయి బాసే క్యా క్యా బనాతాయి వెదురుతో ఏమేమి చేసేదరు స్పష్టం అవుతా దాదాజీని స్పష్టంగా देखो बेटा चूनाना बांस से टोकरी झूले खिलौने आदि बनाते हैं वेदर तो बुट्टा बोयला बम्बल बलों ने काटे पड़नो इन चीजों को बनाने वाले को बांसों कहा जाता है बांस से बांस बम्सोर बांस से तरह तरह के सामान बनाने वाला ये बास्केट मेकर है बास्केट मेकर बम्सोर बांस से तरह तरह के सामान बनाने वाला वेदर तो रकरकाल बोले नटवर
ये है बांस, ये है झूला और तरह तरह के खिलौने। इस बात सुनते ही रमेश पूछता, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है, याद करो मैं ग्राम चला बाबूदी, यहां तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं, इक अन्य रकम పనులు చేసేవాళ్ళు నేను చూస్తున్నారు. ఈ మాటకి తాతగారు ఏమంటే, మా బేట యహా సభీ తరకే కామ్ కర్నే వాలే రహతే, ఇక్కడ అన్ని వృత్తుల వారు నివసిస్తూ ఉందరు, వే ఏ దూసరికు సహాయపడతాయి, మీరు ఒకరి మరొకరికి సహాయపడుతుంది, మిల్దుతా రహతాయి, కలిసి కలిసి ఉందరు, అప్నే అప్నే ఘరేలు ఉద్యోగం చే దేశ వికాస్ నే భాగ్ లేతాయి, తమ తమ కుల వృత్తుల ద్వారా ఘరేలు ఉద్యోగం కుటీర పరిశ్రమ కుల వృత్తి, ఈ కుల వృత్తుల ద్వారా దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో దోహదపడుతున్నారు. ఈ బాత్ చూతే రాణి పూసి, దాదాజీ ఏ దేగో కితనే హరే భరే కదా తాతయ్య, అది చూడండి ఎంత పచ్చదనంతో కూడినటువంటి వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో. దాదాజీ కా हां बेटी अवलम्मा, इन खेतों को हरा बनाने के लिए ई क्षेत्र लगने पच्छड़ उच्च निकालो, किसान दिन रात मेहनत करते हैं, रैतु रेई बोलो कष्ट दिन रात मरी पगल द्वंद समाज बनो, दिन रात मेहनत करते रेई बोलो सुनिश्चित कौन किसान, किसान लोग दिन रात मेहनत करते రైతులు రెయ్యి మొగ్గులు కష్టపడుతున్నారు, అన్నం కాతే హాయ్ ఆహారం పండిస్తున్నారు, అమారి భూపిడాతే హాయ్ అని ఆకలి తీరుస్తున్నారు, ఫార్మర్ కిసాన్ ఫార్మర్ ఇసిలే మహాత్మా గాంధీ నే కహా తా, కాబట్టి గాంధీ గారు అన్నారు వాస్తవం మే భారత్ భూమి రహతా హాయ్, విధానం చెప్పమంటే విధానం చెప్పాలంటే భారతదేశము గ్రామాల్లో ఉన్నది, గ్రామాన్ని సందర్శించినట్లయితే భారతదేశాన్ని సందర్శించినట్లే అని మహాత్మా గాంధీ అన్నారు. అమారే జాతి పిత మహాత్మా గాంధీజీ, గాంధీజీనే యో కహత ఏమన్నారంటే, వాస్తవమే భారత్ భూమి బస్తా హై, నిజానికి భారతదేశము గ్రామంలో ఉన్నది. బాధ ఉంది రమేష్ అవ్వాలి ఏసారి పిల్లలిద్దరూ ఏకఘట్టంతో ముక్తఘట్టంతో తీసుకుంటారు. నిజము సచ్మే గావ్ బహుత్ ప్యారే అవుతాయి, నిజానికి గ్రామాలు చాలా చాలా బాగుంటాయి. ఏదో పాట ఫిర్ ఏక్ బాత్ ఇస్ పాట్ కే బారే మే కల్ చర్చా కరేంగే. बच्चों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, विद्याभ्यास कीजिए, बाहर मत जाइए, समय अच्छा नहीं, कोविड से दूर रहिए. मैं एक बार अपने अधिकारियों को नमस्कार कहते हुए समाप्त करता हूं.